Happy Diwali to all of you, my friends, my viewer, my subscriber. आप सबकी दिवाली कैसी गई? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ना भूलिएगा। और मेरी दिवाली तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गई, बिकॉज मैं गई थी अपने ससुराल। मेरी फैमिली है जॉइंट फैमिली, तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी लोगों के साथ हमने मनाई दिवाली। और हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी गई, तो मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ पिक्स, कुछ क्लिप अपनी दिवाली की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। अगर आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपनी दिवाली की वो कैसी रही, और हम लोगों ने अपनी दिवाली कैसी मनाई अपनी फैमिली के साथ में। तो ये जो क्लिप्स हैं, ये पूरी वीडियो की कुछ ली गई छोटी छोटी पिक्स हैं, जो मैंने आगे लगा के आप सबको दिखाई है। तो मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की, बहुत ही अच्छा लगा मुझे घर जाकर और अपने लोगों से मिलकर, अपनी फैमिली से मिलकर। और ये जो पिक्स देख रहे हैं आप, ये है हमारी फैमिली पिक। तो ये थी हमारी फैमिली, बहुत ही प्यारी, क्यूट एंड लवली। और ये है मेरे फादर इन लॉ, और मैंने उनके साथ ये पिक ली है। और आप लोग जरूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली दिवाली आ ही गई, और ये है हमारी दिवाली पे सजा हुआ मंदिर। तो यहाँ जो पटिया दिख रहा है आपको सामने, ये इसमें रखेंगे हम अपने गणेश, लक्ष्मी। और जो ये यहाँ पर ऊपर है हमारा मंदिर, और ये जो पूजन कर रहे हैं, ये है हमारे अंकल, आई मीन मेरे ससुर जी। और मेरे ये अंकल ससुर जी हैं, अंकल फादर इन लॉ हैं। और जो ये बाती जला रहे हैं, तो वो हैं मेरे फादर इन लॉ। तो सारी पूजा जो है वो हमारे अंकल फादर इन लॉ करते हैं, तो वही कर रहे हैं। और यहाँ जो मटकी में वो क्या बोलते हैं, खीले, वो भर रही हैं, वो हमारी सिस्टर इन लॉ है। और इन जो ये मटकी में वो भर रही हैं, इनको डहरियाँ कहते हैं हमारे यहाँ। और इन डहारियों को हमारे यहाँ दिवाली पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसमें हम लोग इसमें भरते हैं ये खीले, और उनको खीलों से भर कर उसके ऊपर छोटी सी मटकी रख कर और उस पर मिठाई रख के सजाते हैं। ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो ये मेरी सिस्टर लॉ भर रही हैं, और मेरी बेटी तो दिवाली पर घर पहुँच के बहुत ही मस्ती के मूड में है, और बस मज़ा ही आ रहा है उसको। तो यहाँ मेरे चाचा ससुर जी हैं जो पूजा कर रहे हैं, और बस वो डहारियाँ इस साइड और साइड दोनों साइड में दोनों डहारियाँ लगा दे रहे हैं। और गणेश लक्ष्मी हमारे स्थापित हो चुके हैं, उनको टीका वगैरह सब कर रहे हैं, मिठाई चढ़ाई जाएगी। तो यहाँ तो हो रही है पूजा की तैयारी, और यहाँ बगल में जो खड़े हैं मेरे हस्बैंड हैं, और बस यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। और अब मैं मिलाती हूँ अपनी फैमिली से, जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी है, आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है मेरी सासू माँ, माई मदर इन लॉ। तो मिली मेरी मदर इन लॉ से, ये है मेरी मदर इन लॉ, और मेरे हस्बैंड से तो मिल ही चुके हैं।
तो ये, और ये है मेरी मौसी सासू माँ। तो ये जो मेरी सासू माँ है उनकी ये सिस्टर है। तो ये है मेरी मौसी सासू माँ और वो मेरे बेटे हैं, फादर इन लॉ। ये है मेरी ननन, सबसे छोटी ननन है ये मेरी। और वो मेरे चाचा ससुर जी हैं जो पूजन कर रहे हैं। और ये देखिए फल की जो थाली है वो भी तैयार है, पूजा की थाली तैयार है। और हमारे यहाँ दिवाली पर गोल्ड और जो मनी होती है वो चढ़ाई जाती है, रखी जाती है वहीं पर। और यहाँ पे ये दिए, इनमें तेल भरना है, बाती लगानी है। और ये मिली मेरी चाची सासू माँ से। ये मेरी जेठानी है, जेठ हैं। और ये हैं मेरे प्यारे से देवर जी, ये रहे। और बस पूजन हो रहा है, जब तक पूजन कंप्लीट होता है तब तक हम लोग एक दूसरे की क्लिप, फोटो ये सब शूट करते रहते हैं। बहुत ही मज़ा आता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। ये मेरी चाची सासू माँ और ये रही मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी दिवाली कैसी रही मुझे ज़रूर बताना। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ अपने घर पहुँच कर। और ये मेरे प्यारे देवर जी। एंड देखिए कितना मज़ा आ रहा है दिवाली पर। और अब मैं ले चलती हूँ आपको बाहर की तरफ। तो बाहर से कैसा लगता है हमारा घर। और ये है तीन मोटरसाइकिल जो हमारी फैमिली मेम्बर की ही हैं और इन तीनों पे माला चढ़ा दिया गया है अच्छे से। और ये है बाहर की रंगोली, बहुत ही क्यूट सी बनी है। और ये है हमारे घर के बाहर का व्यू जो लाइट से डेकोरेट किया गया है। और हमारा घर जगमगा गया है, छोटी छोटी रंगोली जगह जगह पर बाहर भी बनाकर डेकोरेट किया गया है। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है अपना घर मैंने, आई होप आपको पसंद आए। तो बस उसके बाद हमारी जो पूजन है वो हो गई है और अब आरती करेंगे। तो आरती शुरू होने वाली ही है और बस हम लोग आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं आरती के लिए। और यहाँ चाचू से बहुत दिन बाद मिली मेरी बेटी, तो बस मस्ती हो रही है चाचू के साथ में और ताऊ के साथ में। और हम लोग बस देखते ही रहते हैं इसको कि क्या क्या क्रिएटिविटी करती रहती है, क्या क्या एक्सप्रेशन है इसके। तो बस आध्या की तो मस्ती चालू ही है। और यहाँ हमारी एक और सिस्टर इन लॉ है जो घंटी लेकर खड़ी है बजाने के लिए कि आरती शुरू हो और वो बस शुरू हो जाए बजाना। और चलिए फिर, ये है मेरे अंकल जी, आई मीन चाचा ससुर। ये मेरे बीच वाले चाचा ससुर हैं। और बस पूजा शुरू हो गई है और अब करते हैं आरती। तो यहाँ आरती है वो भी शुरू हो गई है। तो मेरे देवर जी ये घंटी लेकर बजाना शुरू कर दिया है और गणपति जी की आरती शुरू हो गई है, माता लक्ष्मी जी की आरती शुरू हो गई है। तो दिवाली तो शुरू हो चुकी है, बस भगवान की आरती हो जाए उसके बाद जगह जगह पर हम लोग दीपक जलाएंगे और पटाखे फोड़ेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे और अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आरती संपन्न होने के बाद हम आ गए हैं दीपक को जलाने बाहर की रंगोली में। तो देखिए मैंने यहाँ पर रंगोली पे दिया जलाया है और बहुत सारी फोटो ली है बहुत सारे लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरी देवर ने, नरन ने, और यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ भी खड़े हुए। ये जो बच्चा सा खड़ा हुआ है वो मेरा देवर है, सबसे छोटा देवर है ये, मेरी मौसी सास का बेटा। और यहाँ पे एक दूसरे को दिए दिए जा रहे हैं और सेलिब्रेट होगा। हम सब लोगों ने दिए जला लिए, उसके बाद सारे जेंट्स को भी खाना खिला दिया है और उसके बाद हम लेडीज़ लोग खाना खाने बैठे हैं। और जो जेंट्स हैं वो हम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए किचन में जा चुके हैं। और ये है
हमारे आंगन का डेकोरेशन, किचन के बाहर ये देखिए हमारे एक देवर जी, ये एक दो तीन, ये तीन देवर जी हमारे हैं जो एक कुकिंग कर रहे हैं, एक ये सर्व कर रहे हैं, एक छोटा वाला है वो भी सर्व कर रहा है, और हम लेडीज़ मस्ती के साथ बड़े मज़े लेते हुए अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में बैठ के खाना खाने में। पहले आप बनाओ और सभी लोगों को खिलाओ, सारे जेंट्स एक साथ बैठ के बातें करते हुए गपशप करते हुए अपना डिनर कर चुके हैं। उसके बाद वो वही जेंट्स कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई पूड़ी सेक रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई कुछ, बस यही सब करते हुए हम लोगों ने भी अपना डिनर कंप्लीट किया और बहुत ही मज़ा आया। और हम लोगों ने अपनी ड्रेसेस हैं वो चेंज कर ली हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को पटाखे फोड़ने हैं। और ये है हमारे देवर जी जो घनचिली लेकर खड़े हैं और कढ़ाई से गर्मा गर्म पूड़ियाँ लेकर आए हैं और ये डाल रहे हैं, और बस हंसी मजाक मस्ती चालू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अपने घर जाकर, हमेशा वहाँ से लौट के आने के बाद मुझे तो बहुत ही याद आ रही है वहाँ की। और ये है मेरी बेटी आद्या और मेरे हस्बैंड जो कि रोने लगे, पहले तो अभी ये पूड़ियाँ सेक रहे थे बट अब ये रोने लगे तो उसको लेके बैठे हैं। और यहाँ बस फोटो तो छूटी नहीं रही है, कोई ये क्लिप ले रहा है, कोई वो क्लिप ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस मैं भी अच्छे से खाना खा रही हूँ मजे से। मेरी जेठानी है वो भी बैठी हुई है ये साइड में मेरे, और मेरे पास में येलो कुर्ती में मेरी ननन बैठी हुई है, दोनों ननन है मेरी और मेरी सासू माँ। तो ये है हमारा प्यारा सा घर, प्यारी सी फैमिली, तो कुछ ऐसी रही हमारी दिवाली। आई होप आपको मेरी दिवाली बहुत ही अच्छी लगी हो, तो मुझे तो अपनी दिवाली अच्छी लगी। आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो खाना खाने के बाद हम लोग गए पटाखे फोड़ने के लिए, तो वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।